हेलो प्यारे बच्चे, नमस्कार। आज की जो क्लास है बहुत ही इम्पोर्टेंट होने जा रही है आज के लिए। आज का जो कंटेंट है वो है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स में आपको मैं बता दूं कि आपको 3 टाइप्स मिलते हैं जो कि मीन, मोड, मीडियन होते हैं। ये क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट है बोर्ड क्लास के लिए, बोर्ड वाले स्टूडेंटों के लिए। 10th क्लास का टॉपिक है। देखिए, 10th क्लास के टॉपिक में मैं बता दूँ, इसमें आपको 11 नंबर मिलेंगे 2 चैप्टरों से, जो कि एक तो है प्रोबेबिलिटी और एक है स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स और प्रोबेबिलिटी से दोनों से मिलकर 11 नंबर का बनता है। बहुत ही इजी दोनों टॉपिक्स हैं। आप हम बारी बारी से इनको 3 वीडियो में कवर करेंगे, यानी 3 वीडियोस मेरी मिलने वाली हैं इसी टॉपिक के ऊपर। तो चलिए देर न करते हुए आज की इस क्लास को ले लेते हैं और देखते हैं कितना इंपॉर्टेंट कंटेंट है आपका इसमें। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, पहले तो ये समझ लीजिए कि ये होता क्या है, मीन क्या होता है, मोड क्या होता है। देखिए, स्टैटिस्टिक्स जो होता है, एक होता है डाटा ऑब्जर्वेशन, यानी कि अगर आपको कोई डाटा दे देता है तो आपको डाटा को कलेक्ट कर उसे ऑब्जर्व करना है। किन 3 टाइप्स में करना है उनकी डिस्कस कर लेते हैं। जो टाइप्स हैं वो 3 टाइप्स यहाँ पर मिलेंगे आपको। फर्स्ट टाइप्स यहाँ पर मिलेगा आपको, देख लेते हैं। फर्स्ट टाइप आपको जो मिलेगा, देखिए स्टैटिस्टिक्स की बात करूँ, स्टैटिस्टिक्स में आपको 3 टाइप्स मिलेंगे। ओके, इसमें 3 टाइप्स आपको यहां मिलेंगे देखने के लिए। फर्स्ट टाइप जो होगा वो होगा आपका मीन। क्या होगा? मीन। दूसरा जो टाइप है वो है आपका मोड। ओके, क्या है? मोड। और थर्ड टाइप जो है वो है मीडियन। अब ये हैं आपके 3 टाइप्स, मीन, मोड, मीडियन। मीन जो होता है वो होता है एवरेज, एक तरह से आप समझ लीजिए एवरेज वैल्यू जिसे हम कहते हैं। तो ये वर्क जो करता है वो करता है एवरेज पर वर्क। ओके, एवरेज पर। ओके, यहाँ पर मोड की जो बात करें, यहाँ पर मोड जो होता है एक तरह की इसे फ्रेक्वेंसी को जितनी बार रिपीट करता है, यानी रिपीटेशन का काम, यानी बार बार आने का काम जो करता है वो होता है मोड। ओके, मोड। दूसरा जो होता है मीडियन, मीडियन एज लाइक अ मिड पॉइंट। क्या? एज लाइक मिड पॉइंट। आप यहाँ समझ लीजिए, यानी कि मिड पॉइंट की अगर कोई बात हमें करनी है तो वो मीडियन के साथ जाएंगे। सिंपल सी बात यह है, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपको पढ़ना है तो 3 टॉपिक मिलेंगे। फर्स्ट टॉपिक है मीन, सेकेंड टॉपिक है मोड और थर्ड टॉपिक है मीडियन। जैसा कि आपने थंबनेल देखा है कि हम आपको एक ही वीडियो में तीनों टॉपिक्स को कवर कराएंगे। देखिए, पहले में मैं करा दूंगा इसको मीड को, मीन को, दूसरे में करा दूंगा मोड को, एंड थर्ड में करा दूंगा मीडियन को। और तीनों ही क्लासों को ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, शॉर्ट वे में आपको क्लियर करा देंगे और आपके नंबर पक्के। मार्क्स इंक्रीज करना आपकी जिम्मेदारी है और प्रैक्टिस कराना हमारी जिम्मेदारी है। अगर आपकी प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी कमी रहती है तो यकीन मानिएगा आपका रिजल्ट डाउन होने वाला है, और कसम खा लीजिएगा रिजल्ट डाउन कभी नहीं होना पाए। ओके, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मतलब मैं यहाँ पर बता दूँ कि मीन की जब हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मीन। तो मीन की जब हम बात कर रहे हैं तो मीन को 3 टाइप से हमने खुद से डिस्ट्रीब्यूट किया, और खुद से डिस्ट्रीब्यूट करने पर पहला जो टाइप मिलता है वो होता है आपका सिंपल। ओके, सिंपल मीन, यानी सिंपल मीन। क्या सिंपल मीन को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है? सिंपल मीन में मैं बता दूँ आपको क्या मिलता है। यहाँ पर एक आपको एक नंबर मिलते हैं और उन नंबर्स को अलग अलग तरीके से दिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको दिया गया 2, 3, 4, 5, 6, 7 और कहा कि इसका मीन बताइए। सर, क्या कहा? मीन बताइए। तो इसके मीन को बताने के लिए मैं बता दूँ सिंपल मेथड होता है। क्या करना होता है इसमें? यहाँ पर इसको ऐसे सवाल, ऐसे क्वेश्चंस को करने के लिए आपको करना ये है कि मीन को रिप्रेजेंट करते हैं आप एक्स बार से। किससे? एक्स बार से इसे रिप्रेजेंटेशन होता है, और एक्स बार से रिप्रेजेंटेशन होने के बाद यहाँ पर आता है सम ऑफ नंबर। यहाँ पर आता है सम ऑफ नंबर, सम ऑफ नंबर, एंड यहाँ पर आता है काउंटिंग ऑफ नंबर। क्या आता है? काउंटिंग ऑफ नंबर। ये है, ये इसका बेसिक फॉर्मूला होता है। तो इससे आप इसका मीन निकाल सकते हैं। बट बेटा, हमें चलना है स्टैंडर्ड वे में, क्योंकि क्वेश्चन इस तरीके का आएगा ही नहीं। आपको स्टैंडर्ड वे, अगर क्वेश्चन आ भी सकता है तो सिंपल मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन ऐसा सिंपल नहीं देगा। वो देगा क्या? मीन ऑलरेडी गिविन होगा, 1 नंबर को मिसिंग कर देगा, यहाँ से 1 नंबर को मिस कर देगा, और यहाँ पर रख देगा क्या, आप इसकी जगह पर एक्स रख देगा। तो इस तरीके का आपको क्वेश्चन दिया जाएगा। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सम ऑफ नंबर और मीन ऑलरेडी गिवन होगा, आपको यहां पर सम ऑफ नंबर में रखेंगे, एक्स आएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, सॉल्व हो जाएगा। तो ये था सिंपल। क्लियर? सिंपल। बट बेटा, अब
जो बुक में दे रखे हैं, जो कंटेंट आपका बुक में है उसकी हम बात करें तो उसमें जो है आपका यहाँ पर पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड। क्या है? डायरेक्ट मेथड, जो कि आपकी बुक में है। ओके, डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट है आपका डायरेक्ट मेथड के बाद एज्यूम्ड मीन मेथड। क्या है? एज्यूम्ड मीन मेथड। ओके, तीसरा है स्टेप डेविएशन। क्या है? स्टेप डेविएशन। ये 3R मेथड्स आपके बुक में अवेलेबल है और इन तीनों मेथड्स को मैं आपको बारी बारी से समझाने वाला हूँ। पहले मेथड की बात करता हूँ मैं, डायरेक्ट मेथड की। तो डायरेक्ट मेथड में देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ एक्स बार से होता है। डायरेक्ट मेथड में क्या होता है, फ्रेक्वेंसी का मल्टीप्लाई करते हैं नंबर से एफ एक्स समेशन ऑफ एफ एक्स एंड डिवाइड दे देते हैं सम ऑफ एफ से। तो ये फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड का। यही आपको पुट करना है और मीन आपके पास है, बस ये समझ लेना है कि एफ क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है एंड नंबर ऑफ काउंटिंग्स क्या है या नंबर ऑफ कैरेक्टर्स क्या है। जो भी है क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे, नंबर क्या है, प्लेस वैल्यू क्या है। एज्यूम्ड की बात करें तो यहाँ पर एक्स मीन है और एक्स मीन की अगर मैं बात करूँ तो देखिए एज्यूम्ड में क्या होता है, एक वैल्यू बढ़ जाती है और जिस वैल्यू को हम बढ़ाते हैं वो होती है ए एन डी। क्या होता है? ए एन डी। तो यहाँ होता है ए प्लस समेशन ऑफ एफ डी अपॉन समेशन ऑफ एफ, ये होता है आपका एज्यूम्ड। क्या होता है? एज्यूम्ड। ओके, अब स्टेप डेविएशन की बात करेंगे तो स्टेप डेविएशन में क्या होता है आपका, स्टेप डेविएशन में ये होता है कि ए के साथ साथ वहाँ पर कुछ और भी बढ़ता है, एक्स बार इक्वल टू ए प्लस समेशन ऑफ एफ यू अपॉन समेशन ऑफ एफ और मल्टीप्लाई बाई एच। यहाँ पर बड़ा इस क्वेश्चन इसमें ये जो है स्टेप डेविएशन में ये वाला फॉर्मूला लगता है। यानी यही थ्री फॉर्मूलेज हम जो है फॉर्मूलाज हमें अपनी प्रैक्टिस करनी है और यही थ्री फॉर्मूलाज प्रैक्टिस कर ली तो ये समझ लीजिए क्वेश्चन ईजिली हो गया और यही मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है जी, अगर मान लीजिए जैसे कि मैंने आपको यहाँ कहा कि सर ये कैसे पता लगेगा क्या है, मतलब डायरेक्ट का मेथड क्या है और क्वेश्चन में किस तरीके से, पेपर क्वेश्चन में किस तरीके से आएगा, ये डाउट बच्चों के रहते हैं। तो मैं यहाँ पर बता दूँ कि जब भी आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा तो क्वेश्चन पेपर में आपको स्पेशली बोलेगा कि आपको करना किससे है, यानी कि आपको ये स्टेप डेविएशन से करना है, स्टेप डेविएशन से करना है या एज्यूम से करना है या एज्यूम्ड मीन से करना है, मीन से करना है या आप कहेगा कि डायरेक्ट मेथड से करिए, डायरेक्ट मेथड से करिए। देखो बेटा, डायरेक्ट मेथड तो याद रखिएगा जहां वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा होगा, वन वेरिएबल की वैल्यू पूछ रहा होगा वहां आप डायरेक्ट ही लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डायरेक्ट मेथड ही लगाएंगे। किसी टेबल में अगर कोई सिंगल वेरिएबल दिया है और कहा है कि इसका मीन ऑलरेडी गिवन है, आप इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए, तो आप ये समझ लीजिए कि आपको वहाँ डायरेक्ट ही लगाना है। यहाँ पर ये चीज़ नोट कर लीजिएगा, एज्यूम्ड मीन और स्टेप डेविएशन, स्टेप डेविएशन और एज्यूम्ड मीन में आपके पास रहती है चॉइस कि आप एग्जाम में इन दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं यदि क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन में आपसे स्पेशली कहा नहीं गया हो। अगर स्पेशली कहा जाता है तो वहां पर आप इसमें क्या करेंगे, इस केस में आप वहां पर एज्यूम्ड बोला है तो एज्यूम्ड लगाएंगे, अगर आपको बोला है स्टेप डेविएशन तो स्टेप डेविएशन लगाएंगे। ओके, दूसरी बात, तीनों मेथड से आप किसी से भी कर लीजिएगा, आंसर आपका ऑलवेज एक ही आने वाला है, नो चेंज फॉर द एनी सिचुएशंस, एनी टर्म्स, ठीक है, और एनी टाइप्स, किसी भी कंडीशन पर आपका आंसर बदलेगा नहीं, ये समझ लीजिएगा। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन लिया है, मैं क्वेश्चंस को देख लेता हूँ। मैंने क्वेश्चन लिया है यहाँ पर, ये वाला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन, द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन बाई 100 स्टूडेंट इन द एग्जामिनेशन आर गिविन बिलो, फाइंड द मीन। यानी कि आपको 100 स्टूडेंट्स के टोटल आपको मार्क्स दिए गए हैं कि कितने कितनी फ्रीक्वेंसी के साथ उन्होंने अटेम्प्ट किए हैं और आपको यहाँ पर और उनकी जो है मीन बताना है। सिंपल सी बात है, क्वेश्चन इस टाइप का है, बेसिक क्वेश्चन है और आपको मैं इसको तीनों टाइप से कर दिखाऊंगा कि फर्स्ट टाइप ये है, सेकंड टाइप ये है, थर्ड टाइप ये है। तो पहले सबसे फर्स्ट अपॉन आपको यहाँ करना ये है कि आपके पास
आपके पास यहाँ पर मार्क है ऑलरेडी, यहाँ पर फ्रेक्वेंसी है, क्लियर ना। पर मार्क में जो दे रखा है वो इंटरवल दे रखा है, आप देख पा रहे होंगे इंटरवल दे रखा है। तो इंटरवल को ब्रेक करने के लिए मैं आपको बता दूं, इंटरवल जो ब्रेक होता है, इंटरवल जब ब्रेक करते हैं तो इंटरवल ब्रेक करने की एक कंडीशन होती है, वो क्या होती है, दोनों नंबरों को प्लस करिए और उसे हाफ कर दीजिए एंड आपका यहाँ पर इंटरवल मिल जाएगा। ओके, तो मैं यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ अपनी तरफ से। ओके जी, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली है जी। तो यहां पर मैंने क्या किया, ये जो फ्रेक्वेंसी है, फ्रेक्वेंसी को हम बोलते हैं बेटा एफ, क्या बोलते हैं, फ्रेक्वेंसी को बोलते हैं एफ। और जो मार्क को हाफ करके जहां मिलेगा वो होगा एक्स। फ्रेक्वेंसी को आपको ऑलवेज एफ ही लेना है, राइट। यहां पर मैंने मार्क ये है मेरे पास, तो इसे हाफ कर लिया तो ये आ गया यहां पर। यहां देखिए ये हो गया 65। अब 65 को जैसे ही मैं आधा करूंगा आपके पास, तो यहां पर मिलेगा 32.5 मिलेगा। क्या मिलेगा, 32.5 मिलेगा। नेक्स्ट यहाँ पर देखूंगा, यहाँ पर मिला मुझे 75, यहाँ पर मिला 75, तो यहाँ पर हो जाएगा 37.5। ओके, यहाँ पर हो गया आपका 85, 42.5, 47.5, क्या आ गया 47.5, यहाँ आएगा 52.5 एंड यहाँ पर आएगा 57.5 और यहाँ पर जो मिलेगा आपको मिलेगा 62.5। ये आपको नंबर मिलेंगे। यहाँ पर आपको क्या क्या वैल्यू मिल गई है, एक्स की वैल्यू मिल चुकी है और एफ की वैल्यू मिल चुकी है। सिंपल सी बात यह है कि मुझे यहाँ पर एफ एक्स निकाल लेना है, क्योंकि मैं डायरेक्ट मेथड से करने जा रहा हूँ। पहला टाइप मैं यहाँ पर इसे इजीली कर रहा हूँ। ओके, जब मैं इसको यहाँ पर इजीली इसे कर रहा हूँ फर्स्ट टाइप से, तो यहाँ पर मुझे क्या चाहिए, अभी एफ एक्स चाहिए। क्या चाहिए, एफ और एक्स चाहिए, राइट ना। इसका मल्टीप्लाई जैसे ही मैं इसमें करूंगा तो यहाँ पर आपको मिलेगा 325। क्या मिलेगा, 325। एंड सेकंड वे में इसका मल्टीप्लाई जब आप यहाँ पर करेंगे, 16 का मल्टीप्लाई जब यहाँ पर करेंगे, तो आप इस मल्टीप्लाई को करके देखिए क्या आने वाला है। 16 5 जा 80, तो यहाँ पर 80 का 0 एंड 8 कैरी। ओके, 16 7 जा यहाँ आएगा 16 7 जा देखिए यहाँ पर 42 7 1, यानी कि 112 आएगा, यानी कि 112 और 112 यहाँ पर 8 कैरी लिया तो 120 हो गया। 120 का यहाँ पर आ गया 0, 12 कैरी हो गया, 16 1 जा 16 और 16 4 जा 48, 16 3 जा 48 और 16 3 जा 48 हैं, 12 प्लस करेंगे वहाँ पर तो 648, तो यहाँ पर 60 आ गया, यानी 600 करीब यहाँ पर आएगा, 600 करीब आएगा यहाँ पर, और पॉइंट यहाँ पर लगा हुआ है तो ये 600 आ जाएगा। ओके, 600 आएगा। जब 600 आपके पास आ जाएगा तो आप यहाँ पर देखिए नेक्स्ट है 18 का करेंगे। मैं फास्टली करने के लिए, यहाँ पर टाइम वेस्ट न करने के लिए मैं अपना हैंडसेट यूज़ कर लेता हूँ, और हैंडसेट यूज़ करने के बाद मैं कैलकुलेशन आपको फटाक से देता हूँ। ये आ रहा है आपका 18.42.5, यानी 765। ओके, यहाँ पर ये यह आएगा 765 एंड यहाँ पर जो आ रहा है 16 37.5 था, ये ठीक था, करेक्ट था। ओके, यहाँ पर 23 × 47.5, यानी कि 23 47.5 जो आ रहा है, ये जो नंबर है इनका प्लस मल्टीप्लाई करने पर आपको मिलेगा 92.5। ओके, ये नंबर मिलेगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट जो आपका नंबर है वो 18 का है, 18 × 52.5। ओके, 52.5 आपका यहाँ पर जो नंबर मिलेगा, यहाँ पर वो जो नंबर मिल रहा है वो है 945। ओके, 945 यहाँ पर जो आपको नंबर मिलेगा 57.5 मल्टीप्लाई बाई 8, यहाँ पर 460 मिलेगा। ओके, 460 मिलेगा। नेक्स्ट आप देख पा रहे होंगे, नेक्स्ट आप जब मल्टीप्लाई करेंगे 16.5 मल्टीप्लाई बाई 7, तो यहाँ पर मिलेगा 437.5। ये आपको ये मिले एफ एक्स, यानी कि एफ और एक्स का मल्टीप्लाई आपने किया तो आपको यहाँ पर एफ और एक्स की वैल्यूज मिल चुकी हैं। आप यहाँ पर देखें, एग्जाम में आपको किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिलेगी। आप ये सोचें कि मैं हेल्प से कर लूँगा इसका कैलकुलेशन, नो, आपको वहाँ किसी प्रकार की हेल्प नहीं मिलेगी। ये आपको सेल्फ से ही करने पड़ेंगे। आप रफ वर्क में पहले सॉल्व करिएगा, रफ वर्क में सॉल्व करने के बाद देन आप उसे फेयर करिएगा। ओके जी, अब यहाँ देख लेते हैं। अब यहाँ पर हमें करना ये है कि सम ऑफ एफ एक्स निकालना है। तीन चीज़ें चाहिए। पहला चाहिए
सम ऑफ एफ, क्या चाहिए सम ऑफ एफ, यानी कि सम ऑफ एफ आपको निकालना है। दूसरा निकालना है सम ऑफ एफ एक्स, यानी कि सम ऑफ एफ एक्स। तो ये देखें समेशन ऑफ एफ, यहाँ मैं लिख रहा हूँ समेशन ऑफ एफ आपका क्या था, यानी कि आपने इन सबको प्लस किया तो क्या आने वाली वैल्यू है, देखते हैं। 10 प्लस 16 प्लस 18 प्लस 23 प्लस 18 प्लस 8 प्लस 7, यानी कि 100। पहले ही ऑलरेडी क्वेश्चन में बोला है 100, तो ये डाउटेबल था कि 100 है या नहीं, ये आप करेक्ट कर लेंगे। वैसे 100 ही आएगा, जो क्वेश्चन बोला है वही आएगा, बट फिर भी आप एक बार चेक करेंगे। तो यहाँ 100 है आपके सामने, ये 100 है। अब समेशन ऑफ एफ एक्स आप देखेंगे, समेशन ऑफ एफ एक्स क्या आ रहा है, समेशन ऑफ एफ एक्स की बात करेंगे तो समेशन ऑफ एफ एक्स ये है हमारे पास। तो समेशन ऑफ एफ एक्स का आप सम निकालेंगे, 325 प्लस 600 प्लस 1092.5 प्लस यहाँ पर 945 प्लस 460 प्लस 437.5, ये आ गया आपका 3860। अब बेटा डायरेक्ट मेथड में मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, डायरेक्ट मेथड में मैंने फॉर्मूला लिखाया था x मीन इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ f, ये है आपका डायरेक्ट मेथड। और डायरेक्ट मेथड में आपको करना कुछ नहीं है, एफ एक्स की वैल्यू उठाइए यहाँ रखिए और डिवाइड दे दीजिए 100 से, तो टू पॉइंट्स के बाद आप यहाँ पॉइंट लगा सकते हैं क्योंकि 100 अपॉन में है, तो ये आपका आंसर आएगा 38/60। क्या आएगा 38/60 इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो ईजीली आप इसे डायरेक्ट मेथड से कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं डायरेक्ट मेथड से इसे कर सकते हैं, क्लियर ना। ओके अब बेटा देखो ये तो है हमारा डायरेक्ट मेथड, अभी मैं क्या करने वाला हूँ, यहाँ पर एक छोटी सी एक कोई टेबल लेता हूँ और उस टेबल को मैं आपको एज्यूम्ड से करके दिखाता हूँ। किससे करके दिखाता हूँ, एज्यूम्ड से करके दिखाता हूँ और आपको दिखाता हूँ कि वो स्टेप से भी कैसे होता है, राइट ना, स्टेप से भी कैसे होता है। तो देखिए पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा है, डायरेक्ट है, करना ये है सिर्फ जब भी आपको टेबल मिले एफ फ्रिक्वेंसी निकाल लेना है, एफ से आपको एक्स निकाल लेना है, यानी कि जो मार्क इंटरवल दिया होगा उससे एक्स निकाल लेंगे, एक्स और एफ का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एफ एक्स मिलेगा, और फॉर्मूले में जो यूज़ होता है समेशन ऑफ एफ समेशन ऑफ एफ एक्स वो निकाल लेना है और वहाँ पर फॉर्मूले में पुट कर देना है, यही आपको करना है और यही आपका सिंपल मेथड यानी डायरेक्ट मेथड होता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट मैं यहाँ पर एक टेबल ले लेता हूँ, ओके इंसर्ट करता हूँ ये टेबल, और इस टेबल में आप ये समझ लीजिए ये टेबल आपको, ये जो टेबल है वो आपको स्टेप डिवीजन से भी सिखाऊंगा मैं और सारी चीज़ों से आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप इस पर वर्क कर सकते हैं। देखते हैं, यहाँ पर मैं कॉलम्स बढ़ा लिए हैं, ओके आपको दिख पा रहे हो तो यहाँ पर आपको कॉलम दिख पा रहे हो तो मैंने यहाँ पर आपके लिए कॉलम बढ़ा रहा हूँ, ओके जी देखें यहाँ पर एक और तो ये 4 हो चुके हैं, ठीक है नेक्स्ट 5 6 अब एक्स्ट्रा कर लिए हैं मैंने क्योंकि आपको आगे दिक्कत नहीं हो यहाँ टेबल में, ओके दिखाई पड़ रहा होगा, और नहीं भी देता है तो ब्लैक से लिखता हूँ जिससे कि आपको इजीली दिखाई पड़ेगा, मार्कर को मैं ब्लैक कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर मैंने लिया आपको, यहाँ पर मैंने लिया आपके लिए एक मार्क इंटरवल, क्या लिया मार्क, ओके यहाँ पर लिया नंबर ठीक है जी, यहाँ पर लिया नंबर। अब यहाँ पर मैंने मार्क लिखा, यहाँ लिखा 10 to 20, ओके 20 to 30, 30 to 40 और 40 to 50 एंड 50 to 60, क्या 50 to 60, ये आपको नोट दिखाई पड़ रहा होगा, आपको नहीं दिखाई पड़ रहा है तो मैं थोड़ा सा टेबल को इस साइड ले लेता हूँ, यहाँ अब तो दिखाई पड़ रहा होगा सबको, जी अब दिखाई पड़ रहा होगा सबको। यहाँ पर मैंने क्या किया है, इसको 10 to 20 लिया है, थोड़ा सा और बड़ा कर लेता हूँ, अब दिखाई पड़ रहा होगा, ओके जी बिल्कुल करेक्ट है। अब देखो 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, यहाँ मैंने नंबरिंग की बात कर दी तो नंबर तो यहाँ पर ये है। अभी मैंने फ्रीक्वेंसी यहाँ लिख देता हूँ, जिसे नंबर मैंने कहा है वो फ्रीक्वेंसी है सर, फ्रीक्वेंसी की बात करूँगा तो फ्रीक्वेंसी है आपके पास
लीजिए, फ्रीक्वेंसी आती है यहाँ पर 4, 5, 3, 4, 2, ये फ्रीक्वेंसी है। तो जब भी आपको नंबर जो मार्क इंटरवल दिया हो और फ्रीक्वेंसी दिया हो, तो इस बीच में आपको करना ये है, मार्क इंटरवल को ब्रेक करके आपको एक्स निकाल लेना है। क्या कर लेना है? एक्स निकाल लेना है। मार्क इंटरवल यहाँ पर 30 हो जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे 30, और हाफ करेंगे तो 15। क्या आएगा? हाफ करेंगे तो 15 आएगा। हाफ करने पर आपका क्या आएगा? 15। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 15। ओके, नेक्स्ट यहाँ से आपको हाफ किया तो यहाँ 25 आएगा। ओके, इसको हाफ किया तो आप यहाँ देखेंगे 70, यानी कि 35 आएगा। यहाँ पर आप इसको हाफ करेंगे तो 45 आएगा। यहाँ आप इसको हाफ करेंगे तो 55 आएगा। इस तरीके से आप कर लेंगे। ओके, अब देखिए, यहाँ पर मैंने आपको दो चीज़ें बताई थी। क्या दो चीज़ें बताई थी? पहली वैल्यू बताई थी मैंने कि एक्स मीन, अगर आप एक्स मीन निकालने जा रहे हैं, क्या निकालने जा रहे हैं? एक्स मीन निकालने जा रहे हैं, और किसके मेथड से निकालने जा रहे हैं? एक्स मीन आप निकालने जा रहे हैं एज्यूम्ड मीन मेथड से। तो सबसे पहले आपको ए लगाना है, प्लस करना है एफ डी। क्या करना है? एफ डी प्लस करना है, और एफ डी वाली कंडीशन में आपको यहाँ पर एफ डी प्लस करना है, और यहाँ पर समेशन ऑफ एफ करना है। दूसरा, यहाँ पर एक मार्क इंटरवल भी आपको मल्टीप्लाई में करना है, जिसे आप एच बोला करते हैं मार्क इंटरवल से, राइट ना? ये है, और यही मेथड होता है एज्यूम्ड। क्या होता है? एज्यूम्ड मीन मेथड होता है, इसे आप एज्यूम्ड मीन मेथड भी बोलते हैं। ओके जी, तो देख लेते हैं, एज्यूम्ड मीन मेथड बोलते हैं। यहाँ पर देखो, ये वैल्यू मेरे पास हैं, तो जब ये वैल्यू मेरे पास हैं, तो यहाँ पर आपको करना ये है कि ये वैल्यू हो गई एक्स। अब यहाँ पर आप देखेंगे ऑड नंबर हैं या इवन नंबर हैं, ये आप डिसाइड करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 या 5 नंबर हैं। क्या हैं? 5 नंबर हैं, तो 2 ऊपर से ब्रेक करिए, 2 नीचे से ब्रेक करिए, ये आपका 3 है। पर देखो, 3 की फ्रीक्वेंसी नहीं है ज़्यादा, क्यों? किसकी ज़्यादा है? 25 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है। तो जब 25 की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, तो आप इसे मानेंगे ए। क्या मानेंगे? ए मानेंगे इसे, ठीक है जी, ए मानेंगे। ओके, ए मान लीजिए आप इसे ए। तो जब आप इसे ए मान लेंगे इसे, तो अब यहाँ पर डी भी निकालना पड़ेगा आपको। क्या निकालना पड़ेगा? डी। और डी जो होता है वो होता है एक्स माइनस ए। क्या होता है? डी जो होता है वो होता है एक्स माइनस ए। अब जब एक्स माइनस ए करेंगे, तो इससे मैंने जो ए लिखा है वो फ्रिक्वेंसी में लिख दिया है आपका, बल्कि ए जो आएगा वो आएगा ये, यहाँ पर एक्स में आएगा, ए जो आएगा वो एक्स में आएगा। ओके, तो जब ए एक्स में आएगा, तो यहाँ पर देखिए, इससे इसको माइनस करेंगे, तो आप यहाँ पर माइनस का 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? माइनस का 10। इससे इसको ही माइनस करेंगे, 0 मिलेगा। इससे इसको माइनस करेंगे, 10 मिलेगा। ओके, प्लस का 10 मिलेगा। देखिए, पहले समझिए, हमें एक्स माइनस ए करना है। एक्स से ए को माइनस किया तो माइनस का 10 मिला। एक्स से ए को ही माइनस किया तो ये मिला। एक्स से इसको माइनस किया तो यहाँ 10 मिलेगा। क्या मिलेगा? 10 मिलेगा, ठीक है जी, 10 मिलेगा जी, बिल्कुल। तो 10 लिखा यहाँ पर। अब इससे इसको आपने माइनस किया, इससे इसको माइनस किया, तो 20 एंड 30, इस तरीके से नंबर मिलेंगे। ओके, बट बेटा, हमें यहाँ पर ये नंबर तो मिल ही गए। जब हमें यहाँ ये नंबर मिल ही गए, तो हमें करना ये है, क्या करना है? यहाँ पर आएगा आपका 20 और यहाँ पर आएगा 30, ठीक है। अब जब हमें ये नंबर मिल ही गए, तो हमें यहाँ पर करना क्या है? ये तो बड़ी अच्छी बात है कि यहाँ पर करना क्या है। देखो, यहाँ पर हमें, अगर एज्यूम तक जा रहे हैं आप, एज्यूम तक जा रहे हैं, तो आपको यहाँ से आगे यू पर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप एज्यूम से आगे जाना चाह रहे हैं, तो इसमें डिवाइड देंगे आप किसका? इस इंटरवल का। कितने का इंटरवल है इसमें? 10 का इंटरवल है ना, तो आप 10 का डिवाइड देंगे, तो यहाँ पर आपको जो मिलेगा वो मिल जाएगा यू। मैं टेबल आगे बढ़ा दे रहा हूँ, कराऊंगा मैं दोनों मेथड से। तो यू कब मिलेगा? यू मिलेगा जब मार्क का इसमें इंटरवल का डिवाइड देंगे। किसका? एच का। किसमें? इसमें, इसमें एच का डिवाइड देंगे। तो एच यहाँ पर 10 है, तो 10 का इसमें डिवाइड दूंगा तो -1, यहाँ डिवाइड दिया तो 0, यहाँ डिवाइड दिया 1, यहाँ 2 और यहाँ 3, ये मिलेगा। अब करना ये है, एफ यू करना है। क्या करना है? एफ यू, एफ यू, एफ यहाँ पर है और यू यहाँ पर है। F और U का मल्टीप्लाई किया -4, 5 का 0 के साथ 0, यहाँ 30, ये 3 है, 3 का 1 के साथ 3, एंड 4 का इसके साथ 8 एंड 6,
ये वैल्यू मिलेंगी एफ यू की। अब हमें जो निकालना है वो निकालना है सम ऑफ एफ यू, सम ऑफ एफ यू, सम ऑफ एफ, और फॉर्मूले में पुट कर देना है। तो ये दोनों फॉर्मूले मैं यहाँ आपको बता दे रहा हूँ कि डायरेक्ट मेथड कैसे कर सॉरी एज्यूम्ड मीन मेथड कैसे करते हैं और स्टेप डेविएशन कैसे करते हैं, और ये तीनों ही टाइप आपके एग्जाम में से किसी को भी पूछ सकता है। तो देख लेते हैं, पहला मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि यहाँ पर आपको जो वैल्यू मिली, अब उनको देख लीजिए, आपको क्या मिला x बार, ओके ए की जो वैल्यू थी वो 25 थी, तो 25 यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया मैंने, ओके प्लस समेशन ऑफ एफ डी, तो समेशन ऑफ एफ डी की बात हम कर रहे हैं, समेशन ऑफ एफ डी की बात कर रहे हैं, तो समेशन ऑफ एफ डी है यहाँ पर एफ डी, तो देखो एफ और डी की बात करेंगे तो मैं यहाँ एक कॉलम एफ डी वाला भी बना लेता हूँ, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर एफ डी मैंने नहीं निकाला, मैंने सीधा यू निकाल दिया है, तो एफ डी भी निकाल लेता हूँ जिससे कि दोनों क्वेश्चन एक ही बार में हो जाएंगे, ओके दोनों क्वेश्चन एक ही बार में हो जाएंगे। यहाँ प्लस कर लेता हूँ एक कॉलम, और यहाँ पर जब ये कॉलम दोनों हो जाएंगे तो ईजीली आप इसे कर पाएंगे, ओके देखते हैं। तो नेक्स्ट कॉलम बढ़ चुका है आपका, और यहाँ पर अब मैं क्या निकालना है एफ डी ले लेना है, क्या ले लेना है एफ डी ले लेना है, मार्कर ब्लैक करते हैं और यहाँ पर एफ डी ले लेना है। तो एफ डी एफ कहाँ पर है और डी कहाँ पर है वो देख लीजिए और मल्टीप्लाई उनका कर दीजिए, डी ये रहा एफ ये रहा, एफ का मल्टीप्लाई किया माइनस का 40, क्या माइनस का 40, ओके माइनस का 40 यहाँ लेंगे, ये हो गया। अब यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर देखिए 0 है तो यहाँ 0 आएगा, यहाँ 3 है यहाँ 10 है यहाँ 30 आएगा, यहाँ 4 है यहाँ 20 है यहाँ 80 आएगा, यहाँ पर 3 है यहाँ पर है 2 और यहाँ पर है 30, तो यानी कि 60 आएगा। अब सम की बात करूँगा मैं, तो सम की बात करने पर मुझे जो वैल्यू मिली हैं वो वैल्यू हैं, देखिए सम की बात कर रहा हूँ, सम की बात कर रहा हूँ, तो सम की बात करने पर मुझे यहाँ जो वैल्यू मिल रही हैं वो वैल्यू हैं, बता देता हूँ आपको, देखें सॉरी फॉर दैट, ओके तो यहां पर हमें सम जो मिल रहा है उसकी बात अगर करते हैं तो देखें सम क्या है देख लेते हैं, सम है एफ डी, समेशन ऑफ एफ डी, यहाँ पर समेशन ऑफ एफ डी जो निकल कर आया है वो सम आएगा यहाँ पर। आप देखिए इनको ऐड करिए, 140 130 में से माइनस किया तो यहाँ 170 में से माइनस किया तो 130, यानी सम जो आया वो 130 है, क्या है सम जो है वो 130 है। ए इक्वल टू जो दिया गया है, ए इक्वल टू जो दिया गया है वो है आपके सामने यहाँ पर, वो है आपके सामने, देखो यहाँ ए जो दिया गया है वो है 25 एंड जो एफ दिया गया है वो आपको क्या है एफ दिया गया है, समेशन ऑफ एफ जो दिया गया है वो है आपके पास ये वाला, तो 9 12 16 और यहाँ पर 18, क्या है 18, तो एफ है यहाँ पर 18 और एच जो दी है वो है 10, एच जो दी है वो है 10, ओके बेटा देख लेते हैं। तो यहाँ पर अब मैं फॉर्मूला लगाने वाला हूँ, फॉर्मूला आप देख पा रहे होंगे फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लगा देता हूँ यहाँ पर और क्वेश्चंस को कर देता हूँ। तो देखिए f की a की वैल्यू मैं यहाँ रख चुका था, f d की वैल्यू यहाँ पर 130 आएगी, यहाँ पर 130 अपॉन f की वैल्यू यहाँ पर 18, तो ये 18 और मल्टीप्लाई बाय 10, ये था आपका क्वेश्चंस। तो x मीन की जो वैल्यू थी वो आई 25 मल्टीप्लाई बाई 18 प्लस 130, तो देखें 130 और जो वैल्यूएशंस इससे पहले जो है वो सॉरी एक मिस्टेक यहाँ पर की है कि पहले 10 को क्रॉस किया जाएगा, यहाँ से हो गया 9 और यहाँ आ गया 5, अब 5 का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 25 प्लस 650, ओके 650 और यहाँ 9 आ गया, 9 का मल्टीप्लाई यहाँ पर किया तो यहाँ पर जो आएगा 25 मल्टीप्लाई बाई 9 प्लस 650 अपॉन 9, क्या है 650 अपॉन 9। जब मैंने इनको सॉर्ट आउट करूंगा तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी मुझे मिलेगी 9 5 जा 45, ओके 9 5 जा 45 का 5 एंड 4 कैरी, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई किया 9 2 जा 18 और 18 और 4 22, यानी कि ये वैल्यू मिलेगी 650 डिवाइड बाई 9, और जब मैंने इसे सॉर्ट आउट करूंगा दोनों को ऐड करके तो यहाँ मिलेगा 5 और यहाँ मिलेगा 7
एंड यहाँ मिलेगा 8 एंड 9, 9 से इसे कैंसिल आउट किया, 9 9 जा 81 और यहाँ पर बचेगा क्या 6, और 6 जब मिलेगा तो यहाँ मिलेगा 9 9 7 जा, देखो यहाँ पर आएगा कितना 65, और यहाँ देखिए 9 7 जा 63, कितना बचा 2, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया तो यहाँ 2 आएगा, और यहाँ पर इस तरीके से ये जो होगा वो होगा आपका मीन। क्या होगा बेटा? ये होगा आपका मीन। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं। ये था आपका एज्यूम्ड मेथड। अब इसी एज्यूम मेथड में आपको करना ये है यहाँ पर कि आपको केवल एफ यू की वैल्यू रिप्लेस करनी है। यहाँ पर एफ यू हो जाएगा और यहाँ पर सिर्फ एफ यू करना है, यानी सम ऑफ एफ यू रखना है, और डायरेक्टली आप उसे कर सकते हैं सिंपली। किससे? स्टेप डेविएशन हो जाएगा। जब यहाँ एफ यू करेंगे तो एफ यू आप चेंज करने पर आपको क्या मिलेगा? स्टेप डेविएशन मिल जाएगा। ओके जी, अब देख लेते हैं, मैंने कुछ क्वेश्चन भी लिए हैं यहाँ पर, क्वेश्चंस को देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये मैंने लिया है, देखो क्वेश्चन ये है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, ये अच्छा क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। ओके, एग्जाम में पूछा भी जा सकता है बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन है ये, ठीक है जी, तो देख लेते हैं एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। चलिए एक बार इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जी। अब आपको दिखाई पड़ रहा होगा पूरा क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, मीन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 35, यानी कि मीन ऑलरेडी आपके पास गिवन है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, यानी कि एक्स की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है जबकि आपको मीन दिया गया है, ऑलरेडी मीन दिया गया है। तो देख लेते हैं, जब आप यहां पर देखो एक्स निकालेंगे, क्योंकि एफ आपके पास ऑलरेडी है, एक्स नहीं है, तो आप यहां पर क्या करेंगे? एक्स निकाल लेंगे। जब आप एक्स निकाल लेंगे तो एक्स कैसे निकलता है? मैंने बताया, इंटरवल को हाफ करिएगा, आपके पास एक्स निकल कर आ जाएगा। यहां से 10 का हो गया 5, यहां से आ गया आपका 15, यहां पर आ गया आपका 25, यहां पर आ गया आपका 35, यहां पर आ गया आपका 45, यहां पर आ गया आपका 155, और यहां पर आपका जो आया वो हो गया 65। ओके जी, बिल्कुल सर। अब आपको क्या करना है? एक्स की वैल्यू बतानी है ना। तो देखो बेटा, मैंने आपको बताया था, जब भी आप एक्स की वैल्यू बताएंगे आप अपने क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करेंगे, अदरवाइज किसी मेथड से नहीं करेंगे। अगर आप दूसरे मेथड से करते हैं तो आपको दिक्कतें बहुत ज़्यादा होने वाली हैं। तो देखिए, मैंने क्या किया यहाँ पर, एफ एक्स कर दिया, क्योंकि मुझे पता है डायरेक्ट मेथड में एफ एक्स आता है। इसका मल्टीप्लाई एफ और एक्स का मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 10, इसका मल्टीप्लाई किया 45, ओके, इसका मल्टीप्लाई किया 25x, ओके। जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ गया 210, कितना 210, ओके। यहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो मैं यहाँ इसे कर देता हूँ, 210 आएगा, क्या आएगा? 210, ओके जी, बिल्कुल 210 आएगा, 210। यहाँ 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 5 जा 25, 5 4 जा 20, यानी 225 आएगा। ओके, यहाँ किया 5 5 15, ये आ गया 3 5 जा 15, और 3 5 जा 15 116, ओके। यहाँ किया आप यहाँ देखेंगे 130, तो ये वैल्यू आपके पास आ गई। अब हमें फॉर्मूला जो मिलता है वो होता है बेटा x बार इक्वल टू समेशन ऑफ x फैक्स समेशन ऑफ f, दिस इज अ फॉर्मूला ऑफ मीन। तो यहाँ पर हम लगा देते हैं इसे डायरेक्ट मेथड को, और डायरेक्ट मेथड में जो वैल्यू मिलती है वो मिलती है fx की वैल्यू, और fx की वैल्यू को जब मैं सम करूँगा यहाँ पर, तो सम ऑफ fx करने वाला हूँ, तो वो मिला 10 45 55, और 55 को यहाँ ऐड करेंगे इसमें, तो 55 को जैसे ही मैं ऐड करूँगा तो यहाँ हो गया 30, और 30 और 50 यानी 80 हो गया, ये हो गया 280 हो गया यहाँ तक 280, और यहाँ पर देखेंगे 280 यानी कि 310 और 1410 यहाँ पर हो चुका है, और 410 के साथ अगर आप इसे प्लस करते हैं, 410 के साथ अगर आप इसे प्लस करते हैं तो यहाँ 410 के साथ अगर इसे आप प्लस करते हैं तो ये हो गया 620, और 620 के साथ आप इसे प्लस करते हैं 720 के साथ आप इसे प्लस करते हैं 785, कितना मिला 785 मिला यहाँ पर, 785 प्लस 25x, ओके, यहाँ x मिला। अब आप f का सम करिए, f का सम करेंगे 5 और 5 10,
फाइव और फाइव टेन, सिक्सटीन और फाइव ट्वेंटी वन, कितना 21 प्लस एक्स यहाँ पर मिला। बट बेटा यहाँ पर एक कंडीशन भी है कि मीन ऑलरेडी आपको गिवन है, मीन जब आपको गिवन है तो यहाँ मीन जब आपको गिवन है तो यहाँ एक्स बार की जगह आप लगाएंगे वैल्यू, क्या लगाएंगे एक्स बार की जगह आप लगाएंगे वैल्यू, एक्स बार की जगह वैल्यू लगाएंगे क्या 35, क्योंकि मीन ऑलरेडी आपको गिवन है। जब मीन आपको ऑलरेडी गिवन है तो यहाँ आप लिखेंगे इसको जस का तस, और यहाँ पर जो मल्टीप्लाई है वो करेंगे आप इसके साथ। जब मैं इसका मल्टीप्लाई यहाँ करूँगा तो यहाँ आएगा 5 और 10, यानी कि 5 10 115 आएगा, और 5 आ गया यहाँ पर, 105 आएगा और 105 आएगा, तो ये हो गया यहाँ पर 10 कैरी हो गया, और यहाँ 63 और 73 आएगा। ओके ये हो गया जी, बिल्कुल यहाँ देखें इक्वल में जब मैंने इसका मल्टीप्लाई इसके साथ किया सॉरी, तो यहाँ पर अभी आपको जो मिलने वाला है वो क्या मिलने वाला है, इसका मल्टीप्लाई भी आप इसके साथ करेंगे 35 का एक्स के साथ करेंगे, 35 एक्स मिलेगा इक्वल टू यहाँ पर मिलेगा 785 प्लस 25। ओके अब करना ये है आपको यहाँ एक्स है और यहाँ पर भी x है, एक्स एक्स वाले टर्मों को एक साइड रखना है, एक्स एक्स वाले टर्मों को एक साइड रखना है, देन बाकी टर्मों को एक साइड रखना है, राइट ना, बाकी टर्मों को एक साइड रखना है। देख लेते हैं, टेन टेन वाले टर्मों को एक साइड रखना है और बाकी टर्मों को एक साइड रखना है, राइट। चलिए कर लेते हैं, क्या है जी तो देख लेते हैं टेन टेन वाले टर्मों को एक साथ देख लेते हैं, इस वैल्यू को इस साइड लिया तो 35x-25। ओके इस वैल्यू को इस साइड लेंगे 785-735, ये आप कर लेंगे इजीली। यहां से आपने किया माइनस तो यहां पर बचेगा 10, क्या बचेगा 10 बचेगा, यहाँ पर लिखेंगे 10x और यहाँ पर जो इसे माइनस करेंगे आप तो 0 का 0 5 50 बचेगा, और 10 से जो जाएगी वैल्यू वो आएगा आपका 5। ये कैलकुलेशन आपकी बहुत फास्ट होनी चाहिए, कैलकुलेशन इतनी फास्ट होनी चाहिए कि आपको टाइम बहुत कम लगे। कैलकुलेशन की प्रैक्टिस ज़्यादा करिएगा, टेबल को बनाइएगा, अपनी तरफ से ड्रॉ कीजिएगा और फिर उसके आंसर दीजिएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं, यानी कि जब भी आपको वेरिएबल की वैल्यू पूछेगा, आपको करना सिर्फ इतना है कि उस वेरिएबल में डायरेक्ट मेथड लगाना है और डायरेक्ट मेथड से उसे सॉल्व करना है, अदरवाइज और कुछ नहीं करना है। ओके नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट की हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये रखा है आपके लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू, फाइंड द मीडियन। ओके फाइंड द मीडियन ऑफ द डाटा यूजिंग द इम्पेरिकल फॉर्मूला व्हेन इट इज द गिवन ऑफ मॉड, ये दे रखा है और मीन दे रखा है। ये जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आए, जहां पर आपको मीन और मॉड दिया जाए, क्या मीन और मॉड दिया जाए, तो आपको भैया गिनती आनी चाहिए। वो कौन सी गिनती होती है बता देता हूँ, देखिए वो गिनती होती है m इक्वल टू m माइनस m। ये क्या है भाई, ये क्या है, यहाँ आएगा आपका मॉड, क्या आएगा मॉड, और यहाँ आएगा 3 मीडियन और 3 की जगह 2 मीन। ओके यहाँ आएगा 3 मीडियन, क्या आएगा मीडियन, तो ये आपको याद होना चाहिए, क्या है यहाँ पर है 3 2 1 3 2 1, बस ये फॉर्मूला है मीन मॉड मीडियन, ये आपको आना चाहिए इजीली। और इसमें करना ये है आपको वैल्यू लगा देनी है, सिर्फ किसकी, मीडियन पूछ रहा है यहाँ पर, क्या पूछ रहा है मीडियन पूछ रहा है, इट मीन्स इस वैल्यू को पूछ रहा है, आपको उठाकर इसको यहाँ ले लेना है मॉड प्लस टू मीन, मॉड प्लस टू मीन इक्वल टू 3 मीडियन, क्या 3 मीडियन, जब आप इसे लगा देंगे तो आपके पास आंसर ऑटोमेटिकली ही आ जाएगा। यहाँ पर वैल्यू है 30.5, वहाँ पर वैल्यू है 35.3 इक्वल टू 3 मीडियन, क्या 3 मीडियन। ओके जब मैंने इन दोनों को ऐड किया तो 8.56 ये आया, और यहाँ पर आया 3
मीडियन, यानी कि मीडियन। ओके, जब यहाँ पर ये वैल्यू आ गई तो मैंने इसका डिवाइड दे देना है, 65.8 इक्वल टू मीडियन। क्या? मीडियन। तो जब मैंने इसका डिवाइड दिया यहाँ पर तो ये आ गया 2 और यहाँ पर गया 1, 2 1 यहाँ पर हो गया और यहाँ हो गया 7, 217, दैट इज़ द मीडियन। और भी पॉइंट में कोई वैल्यू आएगी तो वो यहाँ पर मीडियन होगा। ये है आपका मीडियन, क्लियर, ये है आपका मीडियन। तो इस तरीके से आप इनके क्वेश्चंस के आंसर निकाल सकते हैं। ओके, ये है क्वेश्चंस के आंसर। तो ये थी आज की हमारी पूरी क्लास जो कि आपकी मीन, मोड, मीडियन के ऊपर थी, बट मीन का टॉपिक इसमें मैंने लिया है। अभी क्वेश्चंस को मैं और लेता हूं और फिर आपको दिखाता हूं कि किस तरीके से आप अपना स्कोर इंक्रीज कर सकते हैं। अगर आपको आज की क्लास सही लगी है, अच्छी लगी है, तो आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए। बने रहिए हमारे साथ, इसी तरीके की वीडियो हम लाते रहेंगे। थैंक यू फॉर की वॉचिंग।